रूस ने यूरोप के सबसे बड़े परमाणु प्लांट पर हमले का किया दावा। यूक्रेन के साथ टकराव में नया मोड़। IAEA ने बताया बड़ा खतरा। दिल्ली एयरपोर्ट को परमाणु बम से उड़ाने की धमकी। विमान में चढ़ने से पहले यात्रियों की ली जा रही है तलाशी। सेना ने लद्दाख में बर्फबारी में फंसे 80 लोगों की बचाई जान। सियोक घाटी में 17,688 फुट ऊंचाई पर चलाया अभियान। यूपी भाजपा में 25 सीटों पर टिकट के लिए घमासान। कई सांसदों का कर सकता है पत्ता। मैनपुरी में दमदार चेहरे की तलाश। यूपी की रायबरेली सीट से चुनाव लड़ सकती है प्रियंका गांधी। आसपास की सीटों को साधने के लिए कांग्रेस ने बनाई रणनीति। रात 9 बजे से 54 साल का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण आज। 5 घंटे 25 मिनट होगी पूर्ण सूर्य ग्रहण की अवधि। बार्स में ना दिखने के कारण माने नहीं होंगे सूतक काल। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको जैसे देशों में दिखेगा सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण को कैद नहीं कर पाएगा सैटेलाइट। आदित्य L1 सूर्य की 2400 घंटे देखने वाली जगह पर रखा गया है सैटेलाइट। सोमपति अमावस्या पर गंगा स्नान को हरिद्वार में उमड़े श्रद्धालु। प्रयागराज समेत अन्य जगहों पर लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। 300 अंक चढ़कर पहली बार 74,550 के पार पहुंचा सेंसेक्स। ज्यादा खरीदारी से 22,600 के पार पहुंचा निफ्टी। लू की चपेट में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु समेत 8 राज्य। मौसम विभाग का अनुमान छिटपुट बारिश से मिलेगी राहत। उमस भरी गर्मी मजदूरों के लिए हो सकती है जानलेवा। देश में जून तक सामान्य से अधिक तापमान रहने का अनुमान। हिमाचल के रोहतांग, बारा, लाचा, दर्रे में बर्फबारी। मौसम विभाग के अनुसार 10 अप्रैल से फिर बिगड़ेगा मौसम। पूरे झारखंड में आज झमाझम होगी बारिश। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। रूस में तैयार हो रहे हैं भारत के 2 युद्धपोत तुसिल और तमाल। इस साल के अंत तक नौसेना के बेड़े में किए जाएंगे शामिल। हर 2 माह में बदल जाएंगे राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात PSC कर्मी। कार्य दक्षता को बनाए रखने के लिए DGP ने प्रदान की मंजूरी। PM मोदी आज छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में करेंगे रैली। तमिलनाडु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे चुनाव प्रचार। बेटे विक्रमादित्य के साथ प्रतिभा सिंह ने की सोनिया से मुलाकात। टिकट बंटवारे समेत प्रदेश में चुनाव लड़ने की रणनीति पर चर्चा। कल से देश भर में चैत्र नवरात्रि की होगी शुरुआत। रंग बिरंगे फूलों से सजने लगे शक्तिपीठ। हिमालय से मानव निर्मित कचरा साफ करेगी नेपाली सेना। माउंट एवरेस्ट समेत कई पहाड़ों पर 10 टन कचरा। पप्पू यादव के राजनीतिक भविष्य पर आज होगा फैसला। नाम वापस नहीं लिया तो बिहार कांग्रेस अध्यक्ष की होगी परीक्षा। चूहे खा गए थाने में रखी 19 किलो भांग और गांजा। पुलिस की ऐसी दलील से धनबाद की अदालत हैरान। लोकसभा चुनाव से पहले JJP को लगने जा रहा है बड़ा झटका। प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह का ऐलान जल्द छोड़ दूंगा पार्टी। भाजपा प्रत्याशी माधवी लता को दी गई Y+ सिक्योरिटी। IB की थ्रेट रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने लिया फैसला। राहुल गांधी को रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दी सलाह। बोले 10 साल तक नहीं मिली सफलता तो ब्रेक लेने में कोई हर्ज नहीं। यूपी के पूर्व DGP विजय कुमार BJP में हुए शामिल। IPS अनुपमा और बसपा नेता धर्मवीर चौधरी भी हुए भाजपाई। दिल्ली के अस्पतालों में दवाइयों की कमी पर आज होगी चर्चा। विधानसभा कार्यक्रम सूची में मंत्री भारद्वाज ने दे दी जानकारी। नोएडा में 45 दिन तक बंद रहेगा एलिवेटेड रोड। ट्रैफिक से बचने के लिए अन्य रूट का करें चुनाव। गुजरात के कच्छ में मिले 5,700 साल पुराने हड़प्पा बस्ती के अवशेष। पहाड़ी के टीले पर बने कब्रिस्तान की खुदाई में मिली सफलता। केंद्र कर्नाटक सरकार के बीच विवाद पर बोले DK शिवकुमार का सीतारमण ने माना सूखा राहत राशि देने में हुई थी देरी। दुनिया भर में 6.2 साल बढ़ी लोगों की औसत उम्र। भारतीयों की आयु में भी 8.3 वर्ष का हुआ इजाफा। केरल के पनूर बम विस्फोट के मामले में एक और गिरफ्तारी। अब तक कुल 5 आरोपी पहुंच चुके हैं सलाखों के पीछे। बुद्धिजीवी सम्मेलन में बोले RSS प्रमुख मोहन भागवत का देश में खत्म होना चाहिए जाति और लिंग भेद। चुनाव के बाद 6 महीने में हल हो जाएगा डी वोटर्स का मुद्दा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया ऐलान। महाराष्ट्र सीएम मेघना शिंदे ने शिवसेना UBT पर साधा निशाना। बोले बाल ठाकरे कार्यकर्ताओं को दोस्त मानते थे और उद्धव घरेलू नौकर। कर्नाटक के बेल्लारी में छापेमारी में लगभग 6 करोड़ रुपए जब्त। 3 किलो सोना और 100 किलो चांदी के आभूषण भी बरामद। डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष पर लगाया आरोप। बोले राष्ट्र विरोधी ताकतों का केंद्र बन चुका है केरल। अग्निवाण रॉकेट लॉन्चिंग की तीसरी कोशिश भी नाकाम। वैज्ञानिकों ने तकनीक खामियों को बताया असफलता की वजह। कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की एक और सूची। बंगाल की 3 सीटों पर किया प्रत्याशियों का ऐलान। बंगाल पुलिस ने एजेंसी अफसरों के खिलाफ ही दर्ज कर लिया केस। NIA पर महिला और उसके पति से मारपीट का आरोप। मारपीट मामले के बाद गुजरात विश्वविद्यालय का बड़ा फैसला। 7 विदेशी छात्रों को हॉस्टल खाली करने का दिया निर्देश। तमिलनाडु CM MK Stalin ने किया बड़ा दावा। कहा इंडी गठबंधन सत्ता में आया तो पुडुचेरी होगा पूर्ण राज्य।
नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को दी गई श्रद्धांजलि, संभल के अधिकारियों ने शहीद के परिजनों को किया सम्मानित। वाराणसी गोरखपुर सहित 10 सीटों पर रहेगी एटीएस की नजर, नक्सली गतिविधियों के निशाने पर हैं लोकसभा क्षेत्र। यूपी के अमरोहा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 10 करोड़ की मिठाई, एल्कोहल बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। पहले और दूसरे चरण के चुनाव की तैयारियों में जुटा प्रशासन, मथुरा में हेमा मालिनी ने प्रेमानंद महाराज से लिया आशीर्वाद। जनपद अमरोहा में डीसीएम ट्रक की आमने सामने टक्कर, डीसीएम चालक ने मौके पर तोड़ा दम, ट्रक चालक गिरफ्तार। अमरोहा पहुंची राज्य मंत्री गुलाब देवी का अखिलेश पर संज, बोली अपराधियों से मिलने उनके घर जा रहे विपक्ष के नेता। अमरोहा में गंगा में डूबे 3 युवकों में से 2 को सुरक्षित निकाला गया बाहर, लापता युवक की तलाश जारी, अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे युवक। आज चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स में टक्कर, केकेआर के खिलाफ जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी चेन्नई। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात, नमस्कार।